अपने स्थापना काल से ही एचईसी देश का गौरव हुआ करती थी। एचईसी की वजह से ही रांची का विकास हुआ और आज इसे राजधानी का दर्जा प्राप्त है। लेकिन जिस एचईसी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, आज उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि सैलरी दो महीना पीछे चल रहा है, सैलरी देने में काफी परेशानी हो रहा है। तो हम लोग इस पर दबाव बनाए हुए हैं कि भाई जो भी इस क्षेत्र में रह रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो भी एचईसी कैंपस में बना है, घर जो बना लिए हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी सहमति होगी तभी बना है। ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती बना लिया है। तो आप बनवाने में अगर सहयोग किए हैं तो उनको रेगुलराइज करने में भी सहयोग करें। अधिकारी फायदा ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। एचईसी को तो अवैध दिखाया जा रहा है कितना है, लेकिन पैसा ज्यादा लिया जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा के इमें जो हेमंत गुप्ता हैं, इनके यहाँ यह खुलम खुला खेल चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह वहाँ पर है, जो पैसा दे रहे हैं उनका काम हो रहा है, जो नहीं दे रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, कभी बनने नहीं दिया जा रहा है, रोक लगाया जा रहा है, लेकिन जो अवैध रूप से दे रहे हैं उनका निरंतर कार्य चल रहा है। एचईसी के पास परिसंपत्तियों का अकूत खजाना है, लेकिन इस खजाने का अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि वे निजी लाभ ले सके। एचईसी में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने इसे इस हाल में पहुंचा दिया है और उनकी कार्यशैली से तो यही लगता है कि वे एचईसी का बेड़ा गर्क करके ही मानेंगे। एचईसी को यहाँ बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने निजी कमाई का जरिया बना रखा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी एचईसी की प्रॉपर्टी वैसे ही लोगों के नाम बंदोबस्त करते हैं जो फाइलों में दर्ज राशि के अलावा ऊपर से दुगुनी तिगुनी राशि देने को तैयार होते हैं, और ऊपर से मिलने वाली यह राशि पूरी तरह से अधिकारियों की जेब में चली जाती है। कैमरा पर्सन संजय के साथ आकाश भार्गव, न्यूज 11 रांची।